हेलो, आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन सामान्य विज्ञान के, जिसमें प्रयोगशाला परिचालक के 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना। तीनों मिलाकर आपका सामान्य विज्ञान के 60 नंबर के प्रश्न बनते हैं, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें 100 नंबर यानी कि 100 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचालक में यानी कि उच्च शिक्षा विभाग से जो लिया जा रहा है 9वीं और 10वीं का सिलेबस, कहने को तो सिलेबस है लेकिन आप लोग 11वीं और 12वीं का भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान का, है ना। तो सबसे पहले मैं कहूँगा वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डेली क्लास करेंगे और जितने भी मेरे वीडियो आएगा रेगुलर रहेगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगा। जितने भी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी आप लोग अपन, है ना, क्लास करेंगे सामान्य विज्ञान के जिसमें 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, तो आप लोग एक बार रिवीजन करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपको पहले गोल्डन रूल बताया था, आपको तीन है आपका गोल्डन रूल। पहला तो आपका थ्योरी, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव और तीसरा है मॉक टेस्ट। जितना भी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान का जिसमें 60 नंबर के प्रश्न रहेंगे, है ना। बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगा और कई बार आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर 2 से 3 बार जरूर देखना, है ना। यहाँ से कुछ टॉपिक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना, है ना। क्या है, हम घंटों घंटे मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर आना चाहिए। इस वीडियो पर कम से कम 50 से अधिक लाइक आना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, एक बात और, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, है ना। तो चलिए अपन आज की क्लास करते हैं सामान्य विज्ञान की 60 MCQ, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं क्वेश्चन कराने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइएगा, है ना। और प्रयास यह कीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन का मालूम हो तो, है ना, यानी कि अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होता है तो आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली आज की क्लास सामान्य विज्ञान का। चलिए, है ना, आप लोग जल्दी से फटाफट क्लास में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। वीडियो हाँ पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना। तो टोटल हमने देखेंगे मैट्रिक बोर्ड से क्लास 10th का लेवल के हिसाब से देखेंगे प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो डेली अगर आप लोग करते हैं ना तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसका, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए देखेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा, है ना। तो देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन से, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, है ना, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का पहला प्रश्न, ठीक है। एक मिनट ना, यहाँ से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारे हैं वीडियो, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न फटाफट करेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मिट्टी जो है लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता, जबकि आपका आ जाएगा, जबकि आपका है जल, कांच, प्लास्टिक, ये सभी आपका ऐसे पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी जो है मिट्टी को हम प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड प्रश्न है आपका कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर, उसको लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर से प्लस होना चाहिए, है यानी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी, फोकस दूरी की 2 गुनी में, क्या रखे जानी चाहिए? फोकस दूरी की 2 गुनी, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी गोली, हम टोटल कितने प्रश्न करेंगे? 100 से भी अधिक प्रश्न करेंगे, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 50 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है किसी गोली वाला हम कर चुके हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? तो देखिए जो प्रकाश, ये वाला टॉपिक छूट गया था क्या? चलिए ये वाला टॉपिक देखिएगा क्या है,
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है, मान लीजिए अगर 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या होंगे? दोनों आपका क्या होगा? अवतल होगा। अवतल, अवतल को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के भी क्लासेस लाएंगे डेली। ठीक है, अगर आप बने रहेंगे, सभी एग्जामों की तैयारी किया जाता है, सीजी व्यापम का, पीएससी का, है ना। तो बहुत सारे अभी एग्ज़ाम निकलने वाले हैं और उसका बहुत सारे वैकेंसियाँ भी निकलने वाला है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के दो ही अपवर्तन नियम हैं। कौन कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी अगर मैं बता दूँ तो फिर तैयारी कराने से क्या फ़ायदा है ना। तो प्रकाश के जो अपवर्तन है कितने नियम होते हैं, सिर्फ दो ही नियम होता है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन के भी दो ही नियम होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, दो ही नियम होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो याद रखना उत्तल लेंस का। ठीक है, किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। चलिए देखते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो कोई माध्यम है आपका, माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। इसकी ये आपका म्यू हो जाएगा, ये अपवर्तनांक है ना। तो किसी माध्यम में साइन का मान कितना होता है, ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक उत्तल लेंस में होता है तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारों की अपेक्षा बीच क्या होता है, मोटा होता है, ये आपका उत्तल लेंस। एक मिनट ना, ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। एक मिनट थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो देखिए किनारों की अपेक्षा बीच क्या होता है, मोटा होता है, यानी कि इस प्रकार ये बनेगा, ये इस टाइप से है ना, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, इस प्रकार बनेगा जी। एक मिनट, ये इस प्रकार बनता है उत्तल लेंस, या फिर पतला वाला बनेगा तो इस प्रकार ये बनेगा आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, और जो है आपका मोटा बनता है, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा बनेगा ना ये वाला, ये आपका उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है कितना होता है, वी बाई यू, है ना, याद रखना। उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है m बराबर वी बाई यू, ये आपका अवतल लेंस का है। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर दिया भी है। गोली दर्पण में फोकांशतर एक वक्रता त्रिज्य के बीच कितना होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो दिया गया है बीच में, तो ये आ जाएगा r = 2f। ठीक है, फोकस दूरी, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है डी होती है 1 डायोप्टर। ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, मान लीजिएगा कोई काल्पनिक है, सीधा आवर्धित और प्रतिबिंब बनाता है, जो वस्तु स्थित होती है तब दर्पण और उसके फोकस के बीच होती है। ठीक है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है तो उत्तल दर्पण में ही होता है। क्या पूछा गया है? तो किसी दर्पण द्वारा, मान लो कोई एक दर्पण है आपका, ठीक है, मान लीजिएगा ये आपको कोई दर्पण है और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा और छोटा बनेगा, याद रखना। जो प्रतिबिंब होता है सीधा और छोटा बनेगा। अवतल दर्पण कैसा होता है, अभी आपको मैंने बताया, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो डेली अगर आप बने रहते हैं हमारे क्लासेस में तो डेली आपको देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगा, है ना। तो रिकॉर्डेड रहेगा ना, बिल्कुल भाई रिकॉर्डेड, पूरा रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और छोटा, कभी भी आप याद रखना, उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक ही होगा और छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं छोटा होगा। सभी क्लासेस कराएंगे भाई, डेली बने रहेगा, डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा, बिल्कुल थ्योरी नहीं है ना, पूरा प्रैक्टिस है सीरीज भाई। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना तो रिवाइज करके जाइएगा। हाँ, वीडियो में 50 से अधिक लाइक आना चाहिए, और जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करें या ना करें, पहले तो लाइक कीजिएगा और बाद में शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख के जाना, इस प्रकार का आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ टॉपिक यहाँ से आ सकते हैं, है ना। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा याद रखना, दिमाग में छाप लो, उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उत्तर रहेगा ना, वो काल्पनिक रहेगा, और काल्पनिक रहेगा और छोटा रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो क्या पूछा है, किसी दर्पण द्वारा, मान लीजिएगा यहाँ पर कोई दर्पण है, ठीक है, तो कोई एक आईना है, उस दर्पण पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वही प्राप्त किया जाता है अवतल दर्पण से। जैसे अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने के उपयोग में काम किया जाता है ना, सैलून वगैरह में, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो जैसे का तैसा दिखेंगे, किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। निम्न में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा आपको मैं कहता हूँ बड़ा, सबसे अगर बड़ा बनेगा, और वास्तविक का मतलब होता है जैसा हो वैसा दिखाई देगा, मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है ना। तो टेंथ बेस पर हम करा रहे हैं आपको, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, समतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और छोटा होता है, काल्पनिक और सीधा दिखाई देगा आपको। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर अवतल, अवतल मतलब अभिसारी नहीं अपसारी, ठीक है, अपसारी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, सीधा होता है, मैं आपको बताया ना किसमें होता है, उत्तल दर्पण में, हमेशा आपका काल्पनिक रहेगा और सीधा दिखाई देगा, वस्तु कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, उत्तल दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है और सीधा होता है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, आभासी में बोला ना, अपसारी नहीं बोला, आभासी बोला है, आभासी यानी होता है उत्तल दर्पण, अपसारी का मतलब होता है अवतल दर्पण। तो आभासी किसमें दिया है, आभासी मतलब डायरेक्ट अब क्या लगाओगे, उत्तल दर्पण लगाओ ना, उसका आभासी और छोटा दिखाई देगा प्रतिबिंब। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती, कौन सा दर्पण होता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा, जिसका फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव। गोली दर्पण ध्रुव और फोकस बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, याद रखना, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हजामत बनाने में, आप सभी को पहले बता था, एक मिनट ना, थोड़ा सा, हजामत बनाने में यानी कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, सोलर कुकर का उपयोग करने में आपका आ जाएगा अवतल दर्पण, सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण, यहाँ से याद रखना, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण, यहाँ से आप अच्छे से इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का कहने का मतलब यह तात्पर्य है कि हम जैसा दर्पण में दिखते हैं वैसा सामने वाले को प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि अगर जैसा वास्तविक मतलब जैसे दिखाई देते हैं वैसा आपका प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा, ठीक है, वही आपका इमेज यहाँ पर बनेगा, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर का उपयोग करने में, है ना, लाइट में, सर्च लाइट में, है ना। आगे आपको मैं बता रहा हूँ भाई, देखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण डायरेक्ट लगाइएगा, सर्च लाइट, अवतल दर्पण, है ना, रोगियों के नाक का जाने हॉस्पिटल से जो भी उसका उपयोग किया जाता है, नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण, है ना। अब यहाँ से देखिएगा, पानी में एक मिनट ना, थोड़ा सा रुको, पानी में एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह हवा में इस प्रकार दूरी की अपेक्षा कैसी होती है, कम होगी, है ना, और उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण का हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखना, उत्तल दर्पण लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है ना, देखिए मान लीजिएगा अगर उत्तल लेंस, ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है, यहाँ से फोकस दूरी है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है इस प्रकार जो प्रतिबिंब रहेगा, यहाँ से अगर उसको नेत्र से देखेंगे, ये आँख से उनको देखेंगे तो जो प्रतिबिंब यहाँ से बनता है, तो उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा, एक मिनट, यहाँ से ये देखिएगा, ये आपका सीधा लकीर हो गया, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस के जो बीचों बीच यहाँ पर जो केंद्रक है
वहाँ से हम देखेंगे, एक मिनट थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर आप समझ पाएंगे, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया यहाँ से, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये आपका आँख मान लीजिएगा, है ना, यहाँ से हम देखेंगे तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, वास्तविक, आभासी और छोटा बनता है। वास्तविक तो बनेगा बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा वास्तविक, जैसा वैसा दिखाई देगा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना उल्टा बनेगा, यहाँ से उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, है ना। तो उत्तल लेंस वाला आप समय ही समझ पाए होंगे, और उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक अगर पूछा जाता है ना तो उसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, जो फोकस दूरी होती है बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है, कैसी होती है, तो लेंस की जो क्षमता होती है आपका फोकस दूरी की वृत्तकम होती है। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और टू एफ के बीच रखा जाता है, एफ और टू एफ के बीच में जो रखा जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस में, है ना, ये उत्तल लेंस आपको मान लीजिएगा, उत्तल लेंस में जब बीम को एफ और टू एफ के बीच में रखा जाए, इसको एफ मान लीजिएगा या टू एफ मान लीजिएगा, इन दोनों के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा होता है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा ना, एक मिनट यहाँ से समझिएगा, ये आपका हो गया सॉरी, ये आपका उत्तल हो गया, है ना। अब उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और टू एफ, ठीक है, एफ और टू एफ के बीच में रखा जाता है तब बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है, इधर का वास्तविक से बड़ा बनता है, कैसा बनेगा, ये आपका वास्तविक जैसा ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ से जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा, वास्तविक से बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोली लेंस कहते हैं, ठीक है। और किस लेंस का उपयोग, किस लेंस का उपयोग दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है, दृष्टि दोष बोलेगा उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, याद रखना, ठीक है। नई कार्तीय चिन्ह यानी कि परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि लेंस की जो वक्र सतह होती है, लेंस की दो वक्र सतह होती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, मतलब वक्रता त्रिज्या पूछा जाए तो 2R, है ना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 10 × 2 यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से क्वेश्चन करते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मान लीजिएगा एक गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी होती है एफ बाई टू, है ना, तो वक्रता आर बाई टू, एक गोली दर्पण है ये वाला होता है एफ, एक मिनट ना, एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो आर का मान कितना है 28 है, तो 28/2 करेंगे, दो से इसको कैंसिल करेंगे, कितना बार में जाएगा 14 बार में जाएगा, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सी, है ना। एक गोली दर्पण, मान लो कोई गोली दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी आपका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो R बाई टू इक्वल टू एफ, फोकस दूरी का सूत्र है। अगर देखिए यहाँ पर माने तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक बिंब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। मान लीजिएगा 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण है ना, ठीक है, ये एक अवतल दर्पण मान लीजिएगा, एक दर्पण है बीच में, अवतल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रख दिया गया है, मान लीजिएगा यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, सॉरी यहाँ पर दिख लीजिएगा, मान लीजिएगा एक अवतल दर्पण है ना, ये बीच में मान लीजिएगा अवतल दर्पण है, इधर आप 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने जस्ट रखोगे तो इधर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब का प्रतिबिंब बनेगा, वो वक्रता केंद्र पर यानी कि केंद्र पर बनेगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा।
एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी बीम पर रखी गई है, मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर रखी गई है और बराबर इसके बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। याद रखना, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, वो कुछ भी बिंब रखे, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बने या कुछ भी बने, आपको लेंस की फोकस दूरी पूछा जाएगा एफ इक्वल टू आर बाई टू। अब आर का मान कितना है? 30 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। चलिए आप लोग फिर से यहाँ पर आप सभी बताइए क्या आएगा है। एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होगा? लेंस की क्षमता पूछा गया है, चलिए बताइए फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो डायोप्टर बराबर कितना होता है, लेंस की क्षमता कितनी होती है? 4 आर, तो कितना होगा? इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर, ठीक है। प्रकाश का तरंग का उदाहरण है परावैगनी तरंग, ठीक है। अब वर्तन कौन सा लेंस? अपसारी लेंस है, अपसारी पूछा गया है। उत्तल लेंस अगर अभिसारी पूछा जाता तो उत्तल लेंस आता, ठीक है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वक्रता वृत्ताकार सीमा का व्यास होता है गोली दर्पण का द्वारक। निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 सेंटीमीटर है, क्या पूछा गया? फोकस दूरी, और फोकस दूरी का सूत्र होता है आर बाई टू, तो 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो इसका आ जाएगा 16। बस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तब की बात कह रहे हैं ना, फोकस दूरी पूछा गया है ना। तो हम इतने मेहनत से घंटों घंटे प्रयास करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना ना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप प्रयोगशाला परिचालक, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, CGPSC प्री अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ की क्लास कराई जा रही है 7:30 बजे, बिल्कुल रिकॉर्डेड। हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी के सभी वीडियो रिकॉर्डेड है पूरा, आप लोग 2 से 3 बार 4 बार जितना बार देखो, देखना चाहो देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यदि बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक से उल्टा होगा, है ना, और गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ से अंदर बाहर की ओर होगा। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित कहलाता है अवतल दर्पण, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण, बाहर से होता है ना उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को कहा जाता है ध्रुव। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करता है? तो सी, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक पूछा गया है, तो एसआई मात्रक आपका मात्रक विहीन होगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष होगी, है ना। गोली दर्पण के परावर्तक वृत्ताकार सीमा जो व्यास होगा द्वारक से। टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों से किस दर्पण का प्रयोग किया गया है? अवतल दर्पण। वाहनों के साइड सीर मिरर यानी किसका उपयोग किया गया है? उत्तल दर्पण। दो पृष्ठों से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम जिसका एक दोनों गोली पृष्ठ कहलाता है लेंस। तो टोटल हमने 60 MCQ किए हैं और कल की क्लास छत्तीसगढ़ के रहेगा, जो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना।